मेरा चिकन बन के रेडी हो गया है। आप इसको चिकन सैलेड भी बोल सकते हो और बहुत 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 ज्यादा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड आज है संडे, तो आज संडे है, तो दिव्यांश आज भी ट्यूशन गया हुआ है। 12 बजे से था तो आज आ गया 1:30 बजे तक। ये देखो बैठा हुआ है घर में आराम से और फोन ले रखा है मेरा, गेम खेलने लग रहा है। अभी बनाने जा रही हूँ मैं लंच, और लंच में क्या बनाओगे आप लोग सोच रहे होगे। हाँ सही पकड़े हैं। क्या बना रही हूँ लंच में, ऐसा कुछ खास ही स्पेशल भी नहीं। तो अब चलते हैं रसोई में, खाना फट काम किया, नहाए, फिर अब लंच बनाएंगे, नाश्ता किया था, तो फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं हम। तब तक के लिए बाय बाय। हम लोग आगे किचन में, आप लोग देख रहे हो मेरी जगह आज ये लगे हुए हैं किचन में। वाह दीदी। नहीं नहीं दीदी, वाह दीदी, व्हाट इज दिस दीदी। हम लोग बना रहे हैं चिकन, तो ये देखिए, और ये रहा चिकन। अंदर देख तुम क्या कर रहा है। डांस क्या है ना फ्रेंड, ट्यूशन तो लग ही नहीं रहा, संडे है। अभी भी मैंने इसको शेक बना रहे हैं, उनको सब्जी बनानी थी तो बना रहे हैं, फिर मैं उसके बाद रोटी बनाऊंगी। देखिए हमारा चिकन रेडी होने वाला है, तो ये देखिए मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। मसालेदार मावा चिकन बना है, इसमें थोड़ी ग्रेवी भी करेंगे। तो उसके बाद सब्जी होने वाली है तैयार, तो मैं फिर रोटी बनाऊंगी, उसके बाद आपको दिखाएंगे। हमारी रोटी भी बन गई है और चिकन भी बन के रेडी हो गया। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। प्लेट लगा के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड, मैंने प्लेट लगा दी है, चिकन मैंने डाल दिया है, ये देखिए, और इधर मेरा सैलेड भी तैयार है। मुझे सैलेड ऐसे ही लंबा कटा हुआ अच्छा लगता है, तो मैं इन सबको खाना दे देती हूँ। ऐसे गिलास ले लेती हूँ मैं के लिए। तो फ्रेंड हम मिलते हैं आपसे शाम को, लंच कर लेते हैं पहले। ये बज गए 7 और इसके अंदर क्या बॉइल हो रहा है आप लोग गैस कीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड, मैंने हल्दी नमक डाल के चिकन उबाल रही हूँ, और इसको बनाऊंगी काली मिर्च वाला चिकन वेजिटेबल डाल के, और आपको दिखाती हूँ फिर। और ये देखिए इधर सारी वेजिटेबल मैंने कट कर ली है, बीन्स हैं, गाजर और शिमला मिर्च, एक प्याज, 3 हरी मिर्ची, और बनाते हैं हम चिकन। चिकन भी रेडी हो गया है, और वेजिटेबल तो पहले से मैंने रेडी करके रखती थी। इधर मैंने फ्राई पैन रख दिया, इसमें थोड़ा सा मैंने सरसों का तेल डाला, बहुत थोड़ा है, ये फैल के आपको लग रहा है इतना, बहुत थोड़ा सा डाला है, तो इसमें ही मैं बनाऊँगी। फ्रेंड इसके अंदर मैं जीरा डाल देती हूँ। फ्रेंड मैंने हरी मिर्च और प्याज फ्रेंड साथ में डाल दिए, हल्का सा ब्राउन करेंगे, बहुत हल्का सा इसको सेव कर लेते हैं। तो हल्की ब्राउन कर ली है, इसके अंदर मैं शिमला मिर्ची डाल दूँगी, उसके बाद इसके अंदर गाजर, इसके अंदर डालेंगे हम बीन्स। तो मुझे वेजिटेबल थोड़ी बड़ी कट करनी पसंद है, आप चाहो तो थोड़ा इन्हें कुछ छोटा चॉप कर सकते हो। इनको थोड़ा सा हम भून लेते हैं, ज़्यादा पकाएंगे नहीं, हल्का चिकन की अच्छा लगेगा। फ्रेंड वाइट नमक मैंने डाला था चिकन में, उबाला था, अब मैं ये काला नमक डाल दूँगी इसके अंदर, जो पिंक वाला होता है वो यूज़ करूँगी इसके अंदर। उसके बाद काली मिर्च पाउडर ये भी डाल दूँगी, तो उसके बाद अच्छे से मिक्स कर देंगे हम इसको, और 5 मिनट के लिए इसको पकने देते हैं। फ्रेंड देखिए हमारी वेजिटेबल हाफ फ्राई हो गई है, अब इसके अंदर हम चिकन डालेंगे, तो मैं ये चिकन डाल दूँगी, मैं इसको अच्छे से कर दूँगी मिक्स। 2 मिनट और पकाऊँगी इसको, फिर आपको प्लेट लगा के दिखाती हूँ। तो फ्रेंड देखिए चिकन रेडी हो गया है, ये देखिए, सबसे अच्छी बात है इसमें वेजिटेबल इतनी सारी हैं, वो बहुत टेस्टी लगती है चिकन के साथ में। मैं प्लेट लगाती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ, हमारा चिकन रेडी हो गया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखिए मेरा चिकन बन के रेडी हो गया है, आप इसको चिकन सैलेड भी बोल सकते हो, और बहुत 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 ज़्यादा टेस्टी है ये।
आपका पता नहीं पर मुझे तो बहुत टेस्टी लगता है। और मैं इसमें से वाइट ले रही हूँ और इसकी जो वेजिटेबल साथ में होती है वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। देखा आपने कितना यम्मी चिकन बनाया और बहुत टेस्टी है। आप लोग ज़रूर बनाना, बनाओगे तभी तो पता चलेगा कितना टेस्टी है। अब लेकिन मेरा फेवरेट चिकन है ये और मेरे को तो बहुत पसंद आता है। तो हम तो अपना डिनर इन्जॉय करते हैं, आप लोग भी अपना डिनर कीजिए। और अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। और हमारे चैनल को तो हम बार बार फिर बोलते हैं, सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करो। तभी के लिए बाय बाय।